आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में खबर थी कि यशराज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा के लिए और आमिर खान की नई दोस्ती के लिए फिल्म में शाहरुख खान एक कैमियो करेंगे। लेकिन लीजिए जनाब, यशराज फिल्म्स ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को सबसे बड़ी फिल्म बनाने में जुट गया और इसके लिए आदित्य चोपड़ा ने अपने टाइगर को कैमियो के लिए मना लिया है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो फिल्म में शाहरुख के बाद अब सलमान खान भी कैमियो करते नजर आएंगे। यशराज से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 90 करोड़ की ये फिल्म अब 100 करोड़ की हो चुकी है। फिल्म में ना बजट से कोई कम्प्रोमाइज हो रहा है और ना ही किसी भी लोकेशन के लिए। दुनिया के बेस्ट तकनीकी लोग इस फिल्म पर काम कर रहे हैं और ये यशराज फिल्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वैसे जानिए फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें। डैश ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग फिल्म के लोकेशन से सेट की पहली तस्वीर थी और आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। दरअसल माना जा रहा था कि फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पर आधारित है, लेकिन आमिर ने साफ कहा कि फिल्म का समुद्री लुटेरों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सेट से आई पहली तस्वीर को देखकर आपको जॉनी डेप के ब्लैक पर्ल की याद जरूर आ जाएगी। 70% प्रॉफिट की डिमांड। सूत्रों की माने तो आमिर खान ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए 70% प्रॉफिट की डिमांड की है। अब ऐसा करने की कोई भी और एक्टर तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन आमिर खान को कोई ना नहीं करता और इसलिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने आमिर खान की ये शर्त मान भी ली है। फिल्म की मुख्य किरदार, आमिर ने साफ साफ कहा है कि फिल्म की मुख्य लीड फातिमा सना शेख है और उसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। इस बात से कैटरीना कैफ काफी नाराज भी है। कैटरीना बनी है योद्धा। माना जा रहा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कैटरीना कैफ एक राजकुमारी बनेंगी जो योद्धा भी होगी, ठीक बाहुबली की देवसेना की तरह। वहीं फिल्म के सेट से आई ताज़ा तस्वीरें भी ये बयान कर रही हैं कि फिल्म भव्य होने वाली है। फातिमा आमिर की नज़दीकी, फातिमा सना शेख और आमिर खान की नज़दीकी पर कहीं ब्लाइंड आइटम बन रहे हैं तो कहीं खुले आम उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन अफवाहों पर आमिर खान ने फिलहाल कोई तवज्जो नहीं दी है। आमिर ने सीधे कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि फिल्म की हीरोइन फातिमा है। फातिमा को मिला लोगों का साथ। फातिमा का लुक टेस्ट वाकई शानदार था और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया और माना जा रहा है कि इसी प्रेशर में आदित्य चोपड़ा को फातिमा सना शेख को फिल्म के लिए साइन करना पड़ा। ऋतिक को मिला धोखा। माना जा रहा है कि फिल्म को पहले ऋतिक रोशन कर रहे थे, लेकिन तब भी कोई हीरोइन ये फिल्म नहीं करना चाह रही थी। कारण था स्क्रिप्ट में हीरोइन का ज्यादा रोल ना होना। ऋतिक ने सलाह दी कि अगर इस रोल को अच्छा नहीं किया गया तो कोई भी ए-लिस्ट हीरोइन इसे नहीं करेगी। सबसे बड़ी बजट फिल्म माना जा रहा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अब तक की यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म है और आमिर खान फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि यशराज फिल्म्स के लिए ये फिल्म इतिहास बना दे।